डॉक्टर जाकिर हुसैन, नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुटवाड़ी। पेश करते हैं जमात 8वीं, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात, सबक नंबर 6 मादे की तश्कील। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मादे की तश्कील इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करें। ज़रा याद कीजिए बच्चों, मादे की मुख्तलिफ हालतें कौन सी हैं? जी हाँ, ठोस, माय और गैस मादे की हालतें हैं। बर्फ, पानी, भाप में क्या फर्क है बताइए। बर्फ ठोस है, पानी माय और भाप गैस है, ये इनका फर्क है। अब ये बताइए बच्चों, मादे के छोटे से छोटे जर्रे को क्या कहते हैं? मादे के छोटे जर्रे को जौहर कहते हैं। और अगला सवाल, मादे की किस्में कौन सी हैं? मादे की किस्में कौन सी हैं? उसका जवाब है अंसर, मुरक्कब और आमिजा, ये मादे की किस्में। बच्चों, गुज़िश्ता जमात में आपने देखा कि हमारे अतराफ दिखाई देने वाली, इसी तरह आँखों से नज़र ना आने वाली तमाम अशिया किसी न किसी मादे से ही बनी हुई हैं। मादे की तीन जमातों ग्रोह में जमात बंदी कीजिए। ठंडे मशरूब, हवा, शरबत, मिट्टी, पानी, लकड़ी, सीमेंट। दूसरा सवाल है, दर्ज बाला जमात बंदी के लिए मादे की किस हालत को मियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, आप बताइए। देखिए बच्चों, मादे की जमातें यानी ग्रोह, पहली जमात है जिसमें आएगा मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट। दूसरी जमात में आएगा ठंडा मशरूब, शरबत, पानी। और तीसरी जमात में आएगा हवा। यानी पहली जमात ये ठोस चीज़ों की है, दूसरी जमात माय की है और तीसरी जमात ये गैस की है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अमल कीजिए। एक बड़े मुँह वाले प्लास्टिक के मर्तबान में सरसों यानी राई के दाने लीजिए। बड़े गुब्बारे के दरमियानी हिस्से में सुई की मदद से लंबी डोरी पुरोकर गांठ लगाइए। ये रबरी पर्दा मर्तबान के मुंह पर रबर बैंड की मदद से तान दीजिए। ख्याल रहे कि डोरी मर्तबान के बाहर हो। डोरी की मदद से पर्दा पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर कदर ज़ोर से, फिर खूब ज़ोर से और फिर ज़ोर से ऊपर नीचे कीजिए और अपने मुशाहदात का इंदाज ज़ैल में दर्ज कीजिए। पर्दे को ऊपर नीचे करने का तरीका, राई के दानों की हरकत। देखिए इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब खींचा जा रहा है तो उसकी जगह, राई के दानों की जगह अपनी जगह पर ही है। किसी कदर ज़ोर से खींचेंगे, देखिए क्या हो रहा है। जब हम ज़ोर से खींच रहे हैं तब देखिए क्या है। दर्ज बाला तजुर्बे में पर्दे को ऊपर नीचे करके हम हवा के ज़रिए राई के दानों को कम ज़्यादा तवानाई देते हैं, जिसकी वजह से राई के दानों में हरकत नज़र आती है। इसी तरह की हरकत ठोस, माय और गैस इन हालतों में भी मादे के ज़रात में होती है। मादे के ज़रात जौहर या सालमा के दरमियान बैनुसलामती क़ुव्वत काम करती है। इस क़ुव्वत की सलाहियत के मुताबिक ज़रात में हरकत होती है। ठोस में बैनुसलामती क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ठोस के ज़रात एक दूसरे से करीब होते हैं और
मुकर्रा जगह पर कायम रहते हैं। इसी वजह से ठोस को मुस्तकिल शक्ल और हजम हासिल होता है। इसी तरह इसे ज़्यादा कसाफत और न दबने वाली यानी सख्त यानी सख्ती की खासियत हासिल होती है। माय हालत में बैन सलामती कुव्वत औसत दर्जे की होती है, जो ज़र्रात को मखसूस जगह पकड़ कर रखने के लिए नाकाफ़ी लेकिन इनको एकजा रखने के लिए काफ़ी होती है, जिसकी वजह से माय को एक मखसूस हजम और सलानियात की खासियत हासिल होती है। इसीलिए मायात की शक्ल मुस्तकिल नहीं होती और जिस बर्तन में हो उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन गैस में बैन सलामती कुव्वत बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से गैस के ज़र्रात आज़ादाना हरकत कर सकते हैं और दस्तियाब होने वाली पूरी जगह को घेर लेते हैं। इस वजह से गैसों की कोई मखसूस शक्ल और मखसूस हजम नहीं होता। मादे की तबई हालत, इस जदवल को देखिए। मादे की तबई हालत सलानियत, सख्ती, मुतशाकल, लचक, हजम, शक्ल, दबने की सलाहियत, बैन सलामती कुव्वत, ज़र्रात के दरमियानी फासला। अब हम इसमें देखते हैं कि मादे की तबई हालत है ठोस, उसमें सलानियत है, सख्ती है, मुतशाकिल है या लचक है। तो इसमें सख्ती है, मुतशाकिल है और लचक है। हजम इसका मुस्तकिल है, शक्ल मुस्तकिल है, दबने की सलाहियत बेहद कम है और बैन सलामती कुव्वत बहुत ज़्यादा है और ज़र्रात के दरमियान का फासला जैसा कि हमने पहले देखा कम से कम है, इसलिए वो ठोस हालत में नज़र आता है। माय देखिए, माय के अंदर सलानियत है, हजम उसका मुस्तकिल नहीं है यानी पानी है। अगर हम उसको बॉटल में भरेंगे तब उसकी शक्ल लेगा, किसी बर्तन में भरेंगे तब उसकी शक्ल लेगा, यानी इसकी कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं है। हजम उसका मुस्तकिल नहीं है, उसकी शक्ल गैर मुस्तकिल है, दबने की सलाहियत उसमें मौजूद है, बहुत कम दबता है, हाँ, और बैन सलामती कुव्वत औसत दर्जा है जैसा कि हमने पहले देखा और ज़र्रात के दरमियान औसत फासला है। गैस सलानियत इसमें मौजूद है, हजम इसका गैर मुस्तकिल है, शक्ल इसकी गैर मुस्तकिल है, दबने की सलाहियत ज़्यादा है और बैन सलामती कुव्वत निहायत कम है और ज़र्रात के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा है। मादे की जमात बंदी का ये तरीक़ा है। इस तरीक़े में मादे की कीमियाई तश्कील का मियार इस्तेमाल किया गया है। मादे के मुहीन तरीन ज़र्रात एक जैसे हैं या मुख्तलिफ, और वो किस शय से बने हैं इस बिना पर मादे की तीन किस्में हैं। नंबर एक अंसर एलिमेंट, दूसरा मुरक्कब कंपाउंड और आमेजा यानी मिक्सचर। इनके मुतालिक आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं। एक अंसर या मुरक्कब में तमाम मुहीन ज़र्रात जौहर और सालमा एक जैसे होते हैं। ये मुहीन तरीन ज़र्रात जो दो या ज़ायद अकसाम के हो सकते हैं। अंसर मुहीन तरीन ज़र्रात में एक ही किस्म के जौहर के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के हर सालमे में ऑक्सीजन के दो जौहर जुड़ी हुई हालत में होते हैं। मुरक्कब का मुहीन तरीन ज़र्रा या सालमा दो या दो से ज़्यादा किस्म के जौहर एक दूसरे से मिलकर बनाते हैं, जैसे पानी के हर सालमे में हाइड्रोजन के दो जौहर ऑक्सीजन का एक जौहर से जुड़ी हुई हालत में होते हैं, जबकि आमेजे में छोटे से छोटे ज़र्रे में दो या ज़ायद अनासर मुरक्कब के जौहर या सालमात होते हैं। मिसाल के तौर पर हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड ये अज्जा सालमात हैं। इसी तरह पीतल में, आमेजे में तांबा और जस्त
जबकि ब्रांस में तांबा और टिन जैसे अनासिर के जौहर होते हैं। इस जदोल को देखिए और इसे अब हम मुकम्मल करते हैं। मादे का नाम है पानी, इसका कीमियाई जाब्ता है H2O और मादे की किस्म है मुरक्कब। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ ये मुरक्कब है, इसीलिए इसकी किस्म मादे की किस्म में मुरक्कब आएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अंसर है, इसका कीमियाई जाब्ता है C और ये मादे की किस्म है अंसर। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कीमियाई जाब्ता है O2 और ये मादे की किस्म है अंसर। हवा, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर हमने बताया है ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये तमाम गैसों का आमेजा है, इसीलिए मादे की किस्म है ये आमेजा। अगला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कीमियाई जाब्ता है Al और मादे की किस्म है ये मुरक्कब। अगला है हम देख रहे हैं कि पीतल Cu+Zn, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आमेजा कहेंगे। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसीलिए हम इसे आंसर कहेंगे। जो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी समझ में कुछ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।